जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर अभी तक आप सेल्फ स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं तो यूट्यूब में सर्च करें सेल्फ स्टडी क्लासेस। और दोस्तों, अगर आपने प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड नहीं किया है सेल्फ स्टडी क्लासेस का, एमपी टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, मास्टर कैडर, ठीक है, और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट हिंदी साहित्य है तो सेल्फ स्टडी क्लासेस से जरूर जुड़ें। दोस्तों, आज दोस्तों हम आपको बता रहे हैं कि सेल्फ स्टडी क्लासेस के द्वारा दोस्तों एक नोट्स लॉन्च किया गया है, वस्तुनिष्ठ हिंदी साहित्य तथा व्याकरण। इसमें दोस्तों 3000 क्वेश्चन हैं और ये 3000 क्वेश्चन का जो डेमो है वो आज मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। पूरे के पूरे प्रश्न यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, ये देख सकते हैं दोस्तों आप। ये हिंदी साहित्य का वो नोट्स हैं, जो नोट्स दोस्तों आपके लिए यहाँ पर 599 में, मात्र 599 उपलब्ध। देख सकते हैं आप क्वेश्चन, हिंदी भाषा ये टॉपिक है, भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है, ब्रज भाषा है ना, हिंदी की विशिष्ट बोलियाँ। उसके बाद यहाँ पर अगर अपन देखें तो ये आपके क्वेश्चन हैं, दिल्ली मेरठ के आसपास बोली जाने वाली अपभ्रंश कुड़ाड़ा भाषा किसने कहा, और पास से देख सकते हैं आप लोग यहाँ से अपभ्रंश को स्वयंभू किस सती के माने जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों ये जो आती है ये देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके कितने क्वेश्चन है, पूरे पूरे क्वेश्चन 125, हिंदी भाषा के 125 क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसकी उत्तरमाला है, ठीक है। उत्तरमाला के बाद दोस्तों यहाँ पर देखो, ये देवनागरी लिपि का चैप्टर है, प्राचीन नागरी लिपि का विकास हुआ, भारत में लिपि की प्राचीनता का पुष्ट सबसे पुष्ट प्रमाण मिलता है, विभिन्न प्राचीन भारतीय लिपियों का उल्लेख करने वाला बौद्ध ग्रंथ कौन सा है, इस प्रकार से इसमें ग्रंथ हैं, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं वाले पंजाबी की लिपि क्या है, ठीक है। तो कुल मिला के ये देवनागरी लिपि में 47 क्वेश्चन है। संसार में यदि कोई सर्वांगपूर्ण अक्षर है तो देवनागरी के हैं, ये किस कथन किसका है, फिर उसकी उत्तरमाला है, ठीक है। फिर इसमें अपन देखें कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के स्रोत आ गए, फिर है ना, भक्तमाल के रचनाकार कौन है, वैश्य 84 वैष्णव की वार्ता इसके रचनाकार कौन है, कवि माला, कालिदास हजारा, सतकवि गिराविलास, मिश्र बंधु विनोद, इस प्रकार से, ठीक है। तो इसमें भी दोस्तों आप हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के स्रोत में देख सकते हैं कि 84 क्वेश्चन है पूरे, मॉडर्न वर्णाकुल लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, और इसकी फिर उत्तरमाला है, ठीक है। इसी प्रकार अपन यहाँ पर देखें आदिकाल, आदिकाल चैप्टर आया, आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा, मैथिल कोकिल के नाम से कौन जाना जाता है, ठीक है। आदिकाल को चारण काल किसने कहा, राउरवेल के रचनाकार कौन है, अजमेर के शासक से संबंधित रचना कौन सी है, ठीक है। फिर आदिकाल के क्वेश्चन और देखे, विद्यापति पदावली का संपादन किसने किया, ठीक है, किसने कहा कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, ठीक है। गोरखवाणी ग्रंथ का संपादन किसने किया, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और ये दोस्तों पूरे के पूरे प्रश्न हैं, कुल मिला के आदिकाल में 132 प्रश्न हैं, गद्य पद्य मिश्रित चंपू का, और फिर उसकी उत्तरमाला भी है, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आपका भक्तिकाल, भक्तिकाल आ गया, निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति है, चंडी चरित्र किसकी रचना, ज्ञानबोध के रचनाकार कौन है, ज्ञानाश्रय निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार क्या है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी ये पंक्तियां किसने लिखी, चित्रावली किसकी रचना है, तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके। और यहाँ पर देखो, तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है, सर्वाधिक प्रेमाख्यान काव्य ग्रंथों के रचयिता कौन है, ठीक है, नानक की रचना नहीं है तो ये रचना नहीं, तुलसीदास विद्वान थे, किस सदी में विद्वान थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आते हैं, अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है, आलवार संतों की संख्या कितनी है, तत्सुखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। फिर यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, ध्यान मंजरी किसकी रचना है, तुलसीदास जातीय जागरण के कवि हैं, यह कथन किसका है, जातीय जनजागरण के, सीतायन के रचयिता कौन है, तुलसीदास ने मीन की सनिचरी का वर्णन किस ग्रंथ में किया है, ठीक है। तो कुल मिला के 206 प्रश्न भक्तिकाल में हैं दोस्तों। भक्तिकाल ने, भक्तिकाल को ईसाइत की देन किसने कहा, भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा किसने दी है, अद्वैतवाद का प्रवर्तन किसने किया है ना, ज्ञानाश्रय निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार क्या है, ठीक है, ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास की रचनाकार कौन है, साखी शब्द का अर्थ क्या है, ये दोस्तों आपका भक्तिकाल और भक्तिकाल की ये उत्तरमाला है पूरी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आते हैं रीतिकाल की बात करें, रामचरितमानस को छोड़कर सर्वाधिक टीकाएं किस ग्रंथ की लिखी गई, ठीक है, भाव विलास की रचनाकार कौन है, रीतिकाल का सम्यक प्रवर्तन केशवदास द्वारा भक्तिकाल में हो गया है,
ये कथन किसका है? तो एक रीति काल में दोस्तों आपके प्रश्न है, द्रोण पर्व किसकी रचना है? ठीक है, श्रृंगार निर्णय के रचनाकार कौन है? कुल मिला के इसमें 107 क्वेश्चन है रीति काल में, और ये उत्तरमाला है दोस्तों। ठीक है, फिर यहाँ पर आपका आता है भारतेंदु, आधुनिक काल में भारतेंदु युग, इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू बार, ये पंक्ति किसकी है? अयोध्या से उपाध्याय हरिवत की प्रथम रचना कौन सी है? खड़ी बोली के समर्थकों को हटी और मूर्ख किसने कहा है? ठीक है ना, भारतेंदु के फूलों का गुच्छा में संग्रहित है, क्या संग्रहित है? तो ये दोस्तों आपका पूरा भारतेंदु युग है, और इसी प्रकार से आप देख सकते पूरा टॉपिक वाइज इसमें क्वेश्चन है, उत्तर माला भी है, द्विवेदी युग है ना, नई कविता है, इस प्रकार से नाटक है ना। और उसके बाद दोस्तों आपका गद्य की विधाओं में अपन देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये उपन्यास है दोस्तों, उपन्यास। ठीक है, पूरा का पूरा यहाँ पर जीवनी की उत्तर माला है, ये जीवनी हो गई। ठीक है, संस्मरण है, संस्मरण के प्रश्न यहाँ पर आपको देख सकते हैं, रिपोर्ताज की उत्तर माला रिपोर्ताज है। पूरा का पूरा टॉपिक वाइज यहाँ पर गद्य काव्य डायरी साक्षात्कार से संबंधित, नवगीत साठोत्री कविता है, पत्र पत्रिकाओं से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर काव्य शास्त्र के भी आपको प्रश्न मिलने वाले हैं, पत्र पत्रिकाएं। और फिर यहाँ पर आपके काव्य शास्त्र के भी प्रश्न हैं यहाँ पर, चार वेद, छह वेदांग और चार शास्त्र के अतिरिक्त 15वीं वेदा किसे माना गया? ठीक है, स्थायी भावों को उद्दीप्त या जागृत करने वाली जो परिस्थिति होती है उसे क्या कहते हैं? महानुभाव संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? ठीक है, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए। काव्य आत्मा भी व्यक्ति, काव्य शास्त्र के अनुसार शब्द में कितने अर्थ कितने दोस्तों प्रकार से आता है ना, रूढ़ यौगिक। तो कुल मिला के 150 क्वेश्चन है काव्य शास्त्र में दोस्तों, काव्य शास्त्र के भी इसमें 150 क्वेश्चन है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर व्याकरण चालू होती है, विराम चिन्ह, वर्णमाला, वर्णमाला से संबंधित क्वेश्चन है। हिंदी में मूलतः वर्ण शब्द भेदी की बात करें, शब्द भेद संबंधी यहाँ पर क्वेश्चन है। ठीक है, फिर दोस्तों ये पर्यायवाची क्वेश्चन है, पर्यायवाची। तो ये पूरे के पूरे टॉपिक वाइज हैं, विलोम शब्द हैं। ठीक है, विलोम शब्द के बाद यहाँ पर अपन समास के शब्द हैं। ठीक है, ये समास की उत्तर माला है पूरी की पूरी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं टॉपिक वाइज यहाँ पर मुहावरे से संबंधित दोस्तों क्वेश्चन है, फिर रस से संबंधित क्वेश्चन है, तो अलंकार से संबंधित क्वेश्चन है, अलंकार, संज्ञा, उत्तरमाला, ये संज्ञा सर्वनाम है दोस्तों, लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों ये आपका नोट्स है, ये नोट्स आप देख सकते हैं, 3000 क्वेश्चन का है, वस्तुनिष्ठ हिंदी साहित्य तथा व्याकरण, आप मात्र 599 में इसको मंगवा सकते हैं। ठीक है, संपर्क करना है आपको 9098609291, इस नंबर पर संपर्क करें दोस्तों, और ये नोट्स आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं, चाहे एमपी टेट वाले साथी हों, चाहे टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड हिंदी साहित्य से जो भी जुड़ा है दोस्तों, मास्टर कैडर वाले साथी हों, सभी साथी इस नोट्स को अपने घर पर मंगवा सकते हैं, मात्र 599, 500 रुपये का ये नोट्स है दोस्तों, है ना, 99 पोस्ट चार्ज है, स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपके द्वारा भेजा जाता है। आपको 9098609291 पर फोन पे करना है, और दोस्तों मुझे व्हाट्सएप पर इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट पूरा पता देना है, स्पीड पोस्ट के माध्यम से ये आपके घर पर दोस्तों भिजवाया जाएगा। ठीक है, अगर आपको मंगवाना है तो संपर्क करें। ठीक है, जय हिंद।